करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है प्लेन मिरर की इमेज के? अब प्लेन मिरर है ना, जो जो घर में आप ड्रेसअप होने के लिए यूज करते हो, दैट इज अ प्लेन मिरर। उसमें क्या होता है कि आप उसके सामने खड़े होते हो, तो जैसे आपका सर ऊपर है तो उसमें भी सर ऊपर ही दिखाई देता है। जितना बड़ा आपका नोज है उतना बड़ा नोज ही दिखाई देता है, जितने बड़ा फेस है उतना बड़ा ही दिखाई देता है, जैसी आईज है, जैसे हैंड्स है, सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। ऐसा ही होता है ना? तो इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है ना, सीधी बन रही है पहली बात तो। दूसरी बात कि वो सेम साइज की बन रही है। अब मैंने बताया था कि जो इमेज इरेक्ट बनती है वो कौन सी होती है? वर्चुअल, है ना, यही बताया था ना मैंने। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला पॉइंट आ गया साइज। साइज जो है वो सेम रहेगा। और दूसरी बात, इरेक्ट बनेगी इमेज, तो इरेक्ट बनेगी। डिस्टेंस, जितनी दूर आप मिरर से खड़े हो उतनी दूर ही इमेज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आर को यहाँ रखा है तो यहाँ पर भी आर यही बनेगा, यहाँ नहीं बन जाएगा, इतनी जगह छोड़ के ही बनेगा, तो वो दूरी सेम रहेगी, डिस्टेंस विल बी सेम। और एक बात है लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता है, कोई भी चीज आपने मिरर के सामने रखी तो उसका राइट जो है वो मिरर में लेफ्ट बन जाएगा, और जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा। ऐसा ही होता है ना? हाँ जी, ऐसा ही होता है। जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, राइट जो है वो लेफ्ट हो जाता है, मतलब वो आपने उसको ऐसे पलटी दे दी। ऐसा ही होता है ना, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। अंडरस्टूड? सो लेटरल इन्वर्जन इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर्स। दिखेंगे सीधे लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होंगे, मतलब ये लेफ्ट जो है वो ये यहां राइट की तरफ आ जाएगा और राइट जो है वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन। जो साइडवेज टर्निंग होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।